मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है टमाटर आलू मटर की सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी और ये कैसे बनती है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें 2 बड़े चम्मच ऑयल चाहिए। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीबन छोटी राई चाहिए हमें। 2 हरी मिर्च कटी हुई। 1/2 कटोरी मटर। 2 मीडियम साइज के आलू, ये कच्चे हैं कटे हुए। 2 अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे, मैंने 5-6 टमाटर की प्यूरी पीस के रख ली है पहले से ही, वो हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मिला के मैंने इसे पीसा है। और अब मैं इसी के साथ 1/2 चम्मच के करीबन नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल दूंगी। और फिर से एक बार मिला लूंगी। मुझे थोड़ी ये थिक लग रही है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। थोड़ा सा 1/2 कप के करीबन मैंने पानी डाल दिया है इसमें। और ये बहुत ही झटपट बन जाती है सब्जी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और अब मैं कुकर की लिड लगा के गैस तेज कर देंगे हम अपनी, और 3 सीटियों बाद फिर से एक बार अपनी सब्जी को देखेंगे। तो कुकर में 3 सीटियां आ गई थी और मैंने थोड़ा ठंडा भी कर लिया है इसको। तो देखते हैं हमारी सब्जी कैसी बनी है। ये देखिए क्या कलर आया है इसका बिल्कुल। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो मैंने इसे सर्व कर लिया है और मैं ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लूंगी। और देखिए मेरी टमाटर मटर आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप खस्ता कचौड़ी, आलू की कचौड़ी या पूरी के संग सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मैं आपसे मिलती हूँ कोई नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।